कर्फ्यू के चलते जिला कांगड़ा में लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल व मई महीने का राशन डिपो के माध्यम से एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग जिला कांगड़ा के नियंत्रक नरेंद्र दिभान ने बताया कि जिला में 1072 सरकारी डिपो के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और जिला में किसी भी प्रकार के राशन की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में कर्फ्यू के चलते बीपीएल अंत्योदय और पीएचएच के तहत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल का कोटा भी दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग कांगड़ा के नियंत्रक नरेंद्र दीवान ने बताया कि कोविड-19 के चलते राशन वितरण का समय सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि इस विश्व महामारी से निपटा जा सके। दीवान ने बताया कि कर्फ्यू के वजह से उचित मूल्य की दुकान अब सुबह 8 से 6 बजे तक खुली होती है, वो अब 8 से 11 बजे तक ही खुली रहेगी, जिसके चलते डिपो धारकों ने यह निर्णय लिया है कि लोगों की सुविधा के लिए वे अपना साप्ताहिक अवकाश नहीं लेंगे और इस दौरान लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे लोगों को भी सुविधा मिलेगी। दिमाग ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जिला में NFSA फैमिली को 2 महीने का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन परिवारों को अप्रैल और मई महीने का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही सरकारी डिपो में राशन लेने के लिए अधिक भीड़ ना एकत्रित हो, इसके लिए विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत 1 से 15 तारीख तक NFSA परिवारों को जबकि उसके बाद APL परिवारों को राशन मुहैया करवाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में नॉर्म्स को पूरी तरह से पालन किया जा सके। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए विभाग के सभी इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्फ्यू में ढील के दौरान ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। लॉकडाउन के चलते जो दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती थी, अब कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल 8 से 11 बजे तक ही खुली रहती हैं। लेकिन हमारे कुछ जो उचित मूल्य की दुकान धारक हैं, उन्होंने भी डिसाइड किया, हमें भी लिख के दिया कि हम जो हैं जो वीकली ऑफ करते हैं, सोमवार को छुट्टी करते हैं, उसको नहीं करेंगे तब तक। तो इससे भी थोड़ी सी लोगों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब जो NFSA फैमिलीज हैं उनको हम 2 महीने का चावल और आटा जो है वो दे रहे हैं अप्रैल महीने में, एक तो अप्रैल का, दूसरा मई का भी एडवांस में दे रहे हैं। तो वहाँ कुछ भारत सरकार द्वारा फ्री में भी चावल दिए जा रहे हैं, तो इस कारण जो है वहाँ ऑफ टेक ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सिस्टम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया है ताकि 15 तारीख से पहले पहले हम NFSA फैमिलीज को कवर कर लें और उसके बाद फिर APL फैमिलीज को कवर करें, ताकि उचित मूल्य की दुकानों पे भीड़ इकट्ठी ना हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने अपनाने को कहा है उसकी पूरी तरह से पालना हो सके। इसके अतिरिक्त हमने सभी इंस्पेक्टर्स को भी डायरेक्शन दे दी हैं कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को आगे ये मैसेज फॉरवर्ड कर दें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सर्कल तो उन्होंने सभी ने अपनी दुकान के बाहर लगा रखे हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा भीड़ ना हो तो वो अपने लेवल पे वार्ड वाइज या कॉलिंग करके 10-50 लोगों को जितने वो उस दिन में फारिग कर सकें उनको वहां बुलाएं और किसी को 8 बजे 9 बजे 10 बजे करके, ताकि वहां पे एट ए टाइम 15-20 लोगों से ज्यादा भीड़ ना लगे। देखो मार्च महीने का जो है हमने सभी को उपलब्ध करवा लिया है, अप्रैल महीने का कोटा, क्योंकि जिला में 1072 दुकानें हैं और हमारे होलसेल गोदाम 20 हैं, तो लगभग एक गोदाम से 50 से लेकर 90 तक दुकानें जो है एक गोदाम के साथ जो है मैप की गई है। तो एक दुकान से 90 दुकानों को राशन जाने के लिए टाइम तो लगता ही है। हमने बेसिक मार्च में 2-3 दिन पहले ही एडवांस में अप्रैल का राशन भेजना शुरू कर दिया था, तो अभी तक हमारे 1072 में से मेरे ख्याल 70-80% दुकानों तक जो है वो राशन पहुंच चुका है, बाकी भी 2-4 दिनों में पहुंच जाएगा। नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सभी डिपुओं में राशन उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम के क्षेत्र में कहीं किसी को राशन नहीं मिला है तो वह निगम को सूचित कर सकता है और उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिन प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड नहीं है उनके लिए नगर निगम अपने स्तर पर राशन उपलब्ध करवा रहा है। देखिए, जो सरकार के आदेश हैं और जो जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी किया है उसके हिसाब से जितने भी हमारे डिपोज़ हैं उनमें राशन पहुंच गया है,
और पिछले कल ही हमने अपने सभी काउंसलर्स को बोला है कि पूरे अपने वार्ड में घूम के पता करें कि जिन लोगों को राशन नहीं मिला है, अगर कहीं से कंप्लेंट आती है तो वो सीधे हमें बताएं या हेल्पलाइन का जो नंबर दिया है वहाँ DFC में फ़ोन करें या कॉरपोरेशन में बता दें, हम लोग वहाँ उनको इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि सरकार ने राशन जो है वो पूरे डिपो में उपलब्ध करवाया है, अगर किसी कारणवश किसी वार्ड में अगर डिपो में राशन नहीं मिल रहा है तो वो सीधे हमारे से संपर्क करें। और इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो बाहर के छत्तीसगढ़ बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए भी कॉरपोरेशन अपने लेवल पे अलग से उनको राशन पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। देखिए, जो आम नागरिक हैं उनको तो डिपो में मिल ही रहा है, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं और जो प्रवासी लेबर है जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो दिहाड़ी भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनका इंतजाम तो एक तो प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से उनको राशन उपलब्ध करवाने का काम करने जा रही है।